हमारा खुला है वन के से। सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो। नए मिलाद मिल चुके हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग के अंदर। और आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। क्या बताऊँ आज के ब्लॉग के अंदर स्पेशल जो है, मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, सुबह उठूँगा तो जब भी बताऊँगा। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सैरी, और आज में हमारा 18 रोज़ा आज हमारा। और हमारे मुस्कान भाई जी सैरी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और हम दूसरे दूसरे तो नहीं वो सैरी आज कल अच्छी देखते हैं। अभी सैरी कर रहे हैं। और सैरी में क्या खा रहे हैं? वो कीमा और पराठा और नूडल्स। अरे भाई माशाल्लाह, कीमा अच्छा है, मज़ेदार अच्छा लगता है। आई थिंक हम लोग कीमा हमारे मन आते हैं तो अच्छा लगता है, खाते हैं फटाफट से सैरी। सही है भाई। और स्पेशल जो कल का है वो कल ही बताऊँगा, मतलब जब सुबह उठूँगा तो तभी बताऊँगा, अभी तो फिलहाल नहीं। और अभी बता के फ़ायदा ही नहीं, तो कल सुबह उठूँगा तो जब तभी बताऊँगा। और कल और जुम्मा मुबारक, तो आप सबको जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। सही है ना? A few hours later। जी जनाब, हम लोग बिल्कुल उठ चुके हैं, बिल्कुल हम लोग उठे हुए थे, अभी बैठे हुए थे। और मैंने कहा यार कुछ टी वी भी चला लूँगा, टी वी चलाने गए तो कभी अच्छा ना टी वी की आवाज़ गायब। मैंने कहा यार ये रात में तो आ रही थी और अभी गायब से। और आज हमारे वो ऐसा जो है ना, सारे के सारे कदर हमारे घर अवतार खोलने आ रहे हैं। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज और भी आ रहे मेहमान, और मेहमान तो आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। और अचानक हमारी एलईडी आवाज़ बन जा रही है, क्या पता नहीं यार। अब मैं भी ठीक नहीं कर सकता, मैं दिखाता हूँ क्या सीन है इसका। आपको दिखा सकता हूँ मेरी एलईडी स्क्रीन आ रही है, सब सही है, कोई मसला नहीं। अभी हम इसकी आवाज़ बुलाते हैं, देखो वो कौन क्या अभी देखें कितनी कर दी हमने, 50 कर दो, 50 कर दें। कोई वो आई आवाज़ चेक करें, आवाज़ आई कोई? और इतना गुस्सा आ रहा है ना यार, आ रही है जा रही है, ख़राब है यार आवाज़ बिल्कुल। इसका मैं भाई सपना भी बनाया रात को, हम लोगों ने अभी सुबह जब देखा था ना, तो हमने उसको कॉल ही कर दी तो अभी हम उसको बुला लेंगे 2 बजे तक, शायद वो आके देख ले यहाँ पर लेके चलिए, शायद वो रात तक सही कर दे। पता नहीं क्या चक्कर है यार, मुझे भी कोई इतनी बताया कब तक सही करेगा वो आवाज़ का स्पीकर का। आई थिंक वो अगर सही हो जाए जल्दी, ताकि जल्दी से आ जाए, वरना फिर बोर ही होंगे घर पर, क्या करेंगे। वैसे भी चुम्मे का दिन है अभी इस वक्त, जो है मेरा 11:30 के में उठिए जल्दी, ताकि मेरा सामान वामान लाना होता है बहुत सारा, तो आए बताए सामान आ रहे हैं कार भी सब कुछ, तो वही मैं तो जल्दी उठी गया वो सो रहा है। मुझे तो भाई आपका भाई का तो पता है आज चुम्मे का दिन है, तो सब कुछ चुम्मा मुबारक। और अभी चुम्मा पढ़ने भी जाना, 1:30 बजे नमाज से मैं 1:30 बजे जमात खड़ी हुई, इससे पहले हमें सारा सामान ला के रख देना यार। उसके बाद भी कोई मसला नहीं, बहुत टाइम होता है, मगर पहले ला के देना वो सही रहता है, पहले से तैयारी हो सकती है। नमाज की तैयारी भी करनी, कपड़े भी निकालने, सारे काम है। आज तो बिजी भी जाना, और आज तो एक और सरप्राइज है, वो सरप्राइज तो भाई मैं बताऊँगा नहीं यार। हम लोग आपको तो पता है शायद, मुझे आपको पता है, मुझे शायद मुझे भी पता है, मगर मैं बोलना नहीं चाह रहा। मैंने कहा बोलेगा अच्छे से, इसका वक्त हो गया जो कि हम बता लें कपड़े वपड़े बदलने चार हज़ार होते हैं। ठीक है, हम लोग हैं रेडी नमाज के लिए बिल्कुल, मैं और मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम, आज आपको पता है आज कोई आने वाले मेहमान है ना? अच्छा मतलब इनको ही पता है, इनके बगैर कुछ मतलब तो होता है ना यार, किसी को पता नहीं होता किसके घर में आ रहे मेहमान, मगर ऐसा नहीं। और एक सीन और भी है, बहुत हमारी टीवी की लाइट गई, पता आवाज़ गई है, वो भी सही कर पाना। अभी शायद हमारा बंदा आ शायद से वो हमारी एलईडी को ले जाए या फिर यहाँ बैठ के सही कर दे, पता नहीं यार वो उस पर डिपेंड है। वो कह रहा है मुश्किल होगा तो दुकान भी लेके जाएगा, वरना तो यहाँ पर सही कर देगा। पता नहीं यार नमाज पढ़ के आएंगे तो फिर वो आएगा, वो बोल लेते हैं नमाज की बात ही। हाँ यार आज तो अच्छी बात है यार, फिर भी अभी मेहमान आएंगे तो बस वो यार सही हो जाए यार। पता नहीं यार सुबह से उठा तो ये सीन दे रहा, बस चाहते नमाज से मुझे नमाज में कंटे पर पड़ते हैं। अवतार की तैयारी हो जा रही है और फ्रूट चाट बनने जा रहे हैं, वो अभी तो स्टार्टिंग है भाई, वो अभी तो पता ही नहीं बिल्कुल क्या बन रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ फ्रूट चाट देखी, फ्रूट चाट बन रहे, देखेंगे आगे आगे क्या बन रहा है भाई।
अभी तो फिलहाल टाइम हो रहा है हमारा 3, अभी थोड़ा सोएं फिर उठेंगे यार। सही है यार, हमारी ना असल में जो आए थे LED वाले मुझसे भी उठे थे, तो वो हमारे जो है जिनको बुलाते LED वाले को, वो आया चेक की, और जो उसमें मसला ये था इसके दोनों के दोनों स्पीकर जो कि फट गए थे हमारे दोनों स्पीकर। हमने आवाज़ तेज या बड़ा बड़ा शक्ति होगा तो उसके स्पीकर दोनों फट गए। अब यहाँ से ना तो कह रहा है LED दे दो, मैं आपको 5 बजे खिला दूँगा। मेहमान आएंगे 5:30 या 6 बजे तक आ जाएंगे, चार से पहले 5 बजे तक वहाँ पर रेडी आ जाएगी LED सही हो के, और अभी इस वक्त वहाँ पर LED नहीं है, अभी इस वक्त गायब है वो ठीक 9 बजे तक यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पे लगी भी होगी, वो लगा के जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। अभी 1 घंटा है, 1 घंटे बाद वो ला देगा, और अभी अफ्तार की तैयारी होगी, जरा मैं देखूँ क्या बन रहा है, और यहाँ पे डरबोटी बन रही चटनी क्या है, देखिए क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, और भाई अफ्तार सब बन रहा है मेहमानों के लिए, सब रेडी हो रहा है, चलें सही अच्छी बात है। जरा मैं आपको और जो सामान वो आपने बोला था मैं और जाऊँ, सही है भाई। अभी हमारे स्पेशल आइटम बन रहा है सैंडविच, ही मम्मा हमारी खुद बना रही हैं, तो अभी इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब डाला है, अभी और ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। सबसे पहले हम इसको बेसन के अंदर डिप करते हैं, डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब के अंदर पूरा रोल करते हैं, रोल करने के बाद इसको फ्राई करने के लिए रख देते हैं। फिलिंग भी तो की हमने चिकन से, चिकन और आलू है उसमें सारे मसाले डाले। अच्छा ओ भाई, मतलब बहुत अच्छा, मक्खन भी डाला, मक्खन भी लगाया होगा। हाँ मक्खन। अब इसके बाद इसको फ्राई होने के बाद इसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी दिखती है, और आजकल मक्खन का ही जमाना है। और अभी ये ऐसे सैंडविच पड़े हुए हैं, ये नहीं कि अभी ये थोड़े से सैंडविच आपको देख रहे हैं, ये अभी बहुत सारे सैंडविच हैं, अभी वहाँ पे भी मैं चल के दिखाता हूँ, वहाँ अंदर भी पड़े हैं, मैं दिखाता हूँ। और सैंडविच हैं ये बना, अभी वहाँ पे जगह नहीं है ना, इसलिए इसको यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत सारे हैं इसके अंदर, चिकन आलू वेजिटेबल मक्खन वगैरह मिर्चें सब डाली हुई हैं। इसकी अच्छी कंडीशन जब हो जाए ना फिर हम आपको दिखाते हैं। सारे मेहमान आ चुके हैं, जब ही दस्तकान हम बाहर लगाए हैं बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अभी स्टार्ट हुआ है, वही भोजन लगा रहे हैं, मैं भी खड़ा हूँ बाहर, अच्छी खासी हवा आ रही है, चार करोड़ बना रहे हैं अपना व्लॉग, और आज वैसे भी हमारे 1K हो गए। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे 1K सब्सक्राइबर करा दिए, मेरे 1.0.5K सब्सक्राइबर। अभी शाम में मैं केक काटूंगा, तो तेरी ऑर्डर शाम में केक काटेंगे, और अभी सारा टाइम हो गया, सारा अफ्तार का लगा है, मेहमान सारे आ चुके हैं, मैं बाहर खड़े हुए देख रहा हूँ, लगाओ वो लोग रहे, मैं खड़े हुए देख रहा हूँ कैसे लगा रहे, और मेरा भाई काम कर रहे हैं, कर लें यार हम भी काम कर लें, थोड़ा हेल्प करा लें लोगों के साथ यार, डिस्ट्रीब्यूट कराएं ये लें। अभी ज़्यादा लग चुकी है, अभी और लगना बाकी है, और भी ज़्यादा सामान आ रहा है, देखें ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा जब मैं अफ्तार में बैठूँगा, तो यहाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें थक गए यार, सारे मेहमान आए, तुम यहाँ लेट ही हो, थक गए यार बेचारे ने, काम बस हवा निकल गई, काम करा यार बहुत, काम करा यार बहुत, अच्छा अच्छा यार ये बहुत अच्छा, हाँ ना कानून खा देना तुम्हारा।
आलू चिकन का मैं खाया और नहीं खा सकता हिम्मत नहीं हम खाएंगे रात में अभी केक भी खाएंगे A few hours later. हमारे खुल गया 1K से सब्सक्राइबर क्या? ये केक लेके आया था ये अभी हमारे कजन के साथ वो अरमान हाफिज के साथ 1K सब्सक्राइबर अच्छा यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो गई है नीचे लिखना था मुजनान अब्बू इन्होंने बड़ा हरामी हो बेटा इसको ये जितना जो इसके सब्सक्राइबर बढ़े इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरा ही है क्योंकि मैंने इसको आइडिया दिया था कि व्लॉगिंग करो और इसकी एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ तो इसलिए जब वो केक काटता है तो मैं बताऊंगा Happy अब हम लोग और पूरी चीज फारिग हो गए अवतार पार्टी भी थी अवतार पार्टी हो गई और हमारी केक सेलिब्रेशन थी 1K सब्सक्राइबर की थी वो भी हो गई तकरीबन हमें आज दो काम थे और आज हमारी LED भी थी वो भी ठीक हो गया आ गई माशाल्लाह से सब कुछ हो गया और तीन चीज़ें थी सारी सब हो गई LED थी ठीक हो गई अवतार पार्टी भी वो भी हो गई अब बैठे रहे मैंने कहा केक ले आऊँ केक सेलिब्रेशन करते मैं 8 बजे गया केक सेलिब्रेशन करने के लिए मैं एक केक लाया अपने लिए मैं आपको दिखाया होगा ब्लॉग के अंदर प्लीज़ और केक मेरे मम्मा का अपना पीछे भी ले गया और पापा का हो गया मतलब वो आए नहीं वो थोड़े नर्वस वो कंफ्यूज हो रहे थे मगर आ जाएंगे फिकर नहीं करना अब जो ब्लॉक आएंगे ना उसके अंदर छुपाऊँगा क्यों नहीं पापा आ जाएंगे इंशाल्लाह और जो बोल रहे अब जाए हुए थे बहुत से कज़न की आवाज़ आई है दो कज़न को दिखाया भाई कज़न को दिखाएंगे 5K पे सारे कज़न 10K पे तो सुपर बेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह मेरा 10K कराओ आप लोग 5K कराओ आगे बढ़ाते हो सब्सक्राइबर ऐसे ही देखते रहो मुझे और मेरे भाई भी सपोर्ट तो मुझे कर रही है सही है ना भाई बस हम लोग थक गए अब थक बिल्कुल सर रोज के अंदर तक काम किया ना आज क्या बताऊँ आपको बस हम लोग करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ ख़त्म आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ दबा दें बेल आइकन को क्लिक कर दें ऑडियो हमारी पहुँच जाए आप तक मिलेंगे अगले वाले ब्लॉग के लिए तब तक लेगा अल्लाह हाफिज़